लत पसंदी है एक, लत माने ल हो जाना, ल हो जाना। किसको करें ल, सबको कर दें क्या? नहीं, सूत्र बताएगा तोरली। सिर्फ त को ल करो, त को ल हो जाना ही है लत हो जाना। कौन से त को करें, किस त को लत तो करें, या सिर्फ त को ही करें? तो बोला नहीं, तू ऊ को ओ हुआ है ना, विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि ऊ को ओ कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए तू है ये असल में, तू माने मैंने बताया था किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के में अगर ऊ की मात्रा लगती है तो इसका मतलब पूरा वर्ग समझा जाए, तो पूरे तवर्ग को, तवर्ग को ल हो जाए कब, ये सिचुएशन है। तवर्ग हो पहला वाला वर्ण, दो वर्णों में संधि होगी, पहला वाला वर्ण तवर्ग हो, दूसरा वाला वर्ण ल हो, तो ये बदल जाएगा ल में। समझ भाई, पहला वाला वर्ण तवर्ग हो, दूसरा वाला वर्ण ल हो, तो पूरा तवर्ग जो है ल में बदल जाएगा। सिर्फ पहले वाला वर्ण, उससे पहले के सारे नहीं, सिर्फ पहले वाला वर्ण, क्योंकि संधि दो ही वर्णों में होती है ना, दो ही वर्णों में संधि होती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, त तत् लयः, तवर्ग का वर्ण है तो पीछे है ल, तो ये वाला तो भी बदल जाएगा ल में, ठीक है, और पीछे लयः है ही, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे यार, तल लयः, ठीक है, क्या बन जाएगा, तल लयः। उसी तरह देखिए एक और उदाहरण, उत लेख, उत लेखः, तो है तवर्ग का वर्ण है, ल है पीछे, तो क्या बन जाएगा, तो को ल हो गया, उल्लेखः हो जाएगा ना, कितना सरल है, छोटी छोटी संधियां हैं। इसी तरह है तल्लीनः बनता है। इसके बाद अगला संधि देखिए, छत्व होना, छत्व हो जाना माने छ हो जाना, किसको, सूत्र के है शस छोटी, दो वर्णों में हमेशा संधि होती है, ठीक है, तो दो वर्णों में से पहले वाले वर्णों को हमने छ बनाना है, अब कैसे बनाएंगे छ, ये बोल रहा है शस, ठीक है, श, इसका मतलब श जो है इसको छ होगा। अब पाणिनि का क्या है, पाणिनि जब सूत्र बनाते हैं, सूत्र बनाने की एक शैली है, एक नियम है कि एक बार जो चीज़ बोल दी उसको दोबारा नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो दोबारा अगर फिर वो चीज़ बोलनी है तो क्या करेंगे, तो पहले अगर वो बोल दिया तो वहीं से उसकी अनुवृत्ति लानी पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार सश छोटी सूत्र जो है, इसमें जो जो चीज़ें बोलनी थी वो बोल दी, अब जो चीज़ें और बोलनी थी अगर वो ऊपर कही जा चुकी है तो दोबारा यहाँ नहीं कहेंगे, तो वहाँ से हमें अनुवृत्ति लानी होगी, ठीक है, और इससे पहले वाले सूत्र में उन्होंने वो बात कही है और इसलिए वहाँ से हम एक अनुवृत्ति लेते हैं, और वो अनुवृत्ति किस चीज़ की है, अनुवृत्ति है झय की, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ से कुछ पद लेने हैं। अब इसको आप भूल जाइए क्योंकि अगर कन्फ्यूजन हो रही है, सीधी सी बात हमें ये समझिए कि सिचुएशन ये है कि श को छ करना है, पीछे अट हो, अट का मतलब सभी स्वर और अंतस्थ, अट प्रत्याहार बनाइए, अयुण ऋलिक एयउ अयोच और हय वरट, ट पर रुक जाइए, हय वर, ठीक है, तो सभी अंतस्थ भी नहीं आए इसमें, एक ऊष्मा आया और य व र, तीन अंतस्थ आए, ठीक है, ये अगर बाद में हो तो, ठीक है, श हो, श के अगला वाला जो वर्ण हो वो या तो स्वर हो या ह हो या य व र, इन तीनों में से कोई एक हो, श के पहले झय हो, झय प्रत्याहार का वर्ण हो, झय क्या है, झय भी एक प्रत्याहार है, झभई से लेकर कपई तक, इसका मतलब वर्गों के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण झय प्रत्याहार में आ जाते हैं, ठीक है, वर्गों के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण झय प्रत्याहार में जाते हैं, तो पहले वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण में से कोई एक वर्ण हो, उसके बाद श हो और उसके बाद अट हो, तो ये श जो है ये बदल जाएगा छ में, इस श को हो जाएगा छ, ठीक है, ये सिचुएशन है, इससे पहले झय हो, श के बाद अट हो, तो श बदल जाएगा छ में, कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा ये हमें बस समझना है, एक परिस्थिति ऐसा पैदा करते हैं जिससे कि स्वच्छ में बदल जाए। चलिए, तत् शिवः, तत् शिवः, अब देखिए पहला वाला वर्ण झ हो, झय प्रत्याहार का हो, झय प्रत्याहार में वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण, तो तत् मत तो जो है ये पहला वर्ण है तवर्ग का, ठीक है, झय प्रत्याहार का वर्ण मिल गया, झय के तुरंत बाद श हो,
मिल गया श। श के तुरंत बाद अट हो, यानी कि कोई स्वर हो, या ह हो या य व र हो। तो श के बाद है ई, शिव का विच्छेद करेंगे हम, श प्लस ई है ना, शी हो गया प्लस फिर वह है फिर विसर्ग है, तो श के बाद है ई, तो हमें अट भी मिल गया, तो तीनों चीज़ें हो गई। अब इस छ श को छ में बदलने में कोई कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। स से पहले झ होना चाहिए था, मिल गया, ठीक है। तो स से के बाद अट होना चाहिए था स्वर, वो भी मिल गया, तो श को छ में बदलने में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो बदल दो। तत् छिवः, तत् छिवः, ठीक है। अब देखिए ये तो बन गया। अब हमने क्या पढ़ी है, हमने सबसे पहली संधि जो पढ़ी थी व्यंजन संधि की, श्चुत्व संधि, क्या था, स और तवर्ग के बाद श या चवर्ग आ जाए तो स और तवर्ग, श और चवर्ग में बदल जाए, यानी कि तवर्ग के बाद यदि चवर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो ये त तो चवर्ग के वर्ण में बदल जाएगा। पहली संधि जो पढ़ी थी श्चुत्व संधि, याद कीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, त तो ये बदल जाएगा, यहाँ पर फिर से संधि हो जाएगी, श्चुत्व संधि, च में बदल गया, और पीछे जो है छिवह तो है ही, बन जाएगा तच्छिवह। क्या बन जाएगा, तच्छिवह। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उस कंफ्यूजन को यदि हम समझ जाते हैं तो फिर वो भी दूर हो जाता है। बात है उसको समझने की, बस समझने के लिए करना पड़ेगा प्रयास और प्रैक्टिस। एक उदाहरण और समझते हैं फिर अगली संधि पर चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सत शीलह, ठीक है, क्या है, सत शीलह, तो झ प्रत्याहार का वर्ण है, मिल गया, पहला नियम की पहली शर्त पूरी, दूसरा श होना चाहिए झ के बाद, वो भी मिल गया शीलह, उसके तुरंत बाद अट होना चाहिए, श के बाद ई है, वो भी मिल गया, तो श को बदल दो छ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बन जाएगा, सत छीलह, त के बाद छ है तो त तो बदल जाएगा च में, श्चुत्व संधि फिर से, तो क्या बन जाएगा, सत तो बदल गया च में, पीछे छीलह है ही, तत् छीलह, नहीं सत छीलह, मतलब कि सत छीलह का मतलब क्या हुआ, सत माने अच्छा, शीलह माने शील चरित्र, तच्छीलह हो गया था, सच्चीलह हमने कर लिया था। आप देखिए एक ये कर लीजिए, उच्छ्रायः, ठीक है। इनका संधि विच्छेद आप स्वयं करेंगे, और कैसे हुआ ये आप स्वयं जानेंगे।